हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपमाला चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ दीपमाला किचन। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बचे हुए चावलों से मसाला डोसा और साथ में है टेस्टी सी नारियल चटनी। डोसा बैटर बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप सूजी। ये सूजी थोड़ी सी मोटी है तो इसको मैं ग्राइंडर में डाल के और थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी। ये लीजिए, तैयार है हमारी सूजी। अगर आपके पास पतली सूजी है तो आप वो ले लीजिए, अगर मोटी सूजी है तो आप भी ग्राइंड कर लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे उबले हुए चावल, यानी कि बचे हुए जो भी चावल हैं हमारे पास, वो मैंने लिया है एक कटोरी चावल। अब इसमें डालेंगे एक कटोरी दही। अगर हम कप के हिसाब से देखें तो आधा कप दही लेना है। इसमें आधा चम्मच नमक और ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालते हुए स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मैंने आधा कप पानी डालकर और स्मूथ पेस्ट बनाया है इसका। लीजिए, तैयार है हमारा बैटर। इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ मैं आपको चम्मच से, कैसी है इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, ऐसा बैटर बनना चाहिए, इससे पतला ना हो बैटर। तैयार बैटर को हम ढककर साइड में रख देंगे और हम चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए ताज़ा नारियल। उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब हमें लेने हैं भुने हुए चने। एक छोटी कटोरी ली है मैंने और चम्मच के हिसाब से देखें तो 5-6 चम्मच चने हैं। मैंने ली है 2 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप काली मिर्च का पाउडर बना के भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा ले लेंगे हरा धनिया और थोड़े सा हम ले लेंगे बारीक कटी हुई अदरक। इसमें डालना है 2-3 चम्मच दही। अगर आपको दही पसंद नहीं है तो आप इमली का टुकड़ा या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसे पीसने के लिए हमें थोड़ा पानी भी डालना होगा। आप ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें। चटनी को पीसते टाइम नमक भी डालना था, कुछ कैमरा में प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आप नमक भी डाल लीजिएगा चटनी में पीसते टाइम। और ये देखिए, हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। कंसिस्टेंसी ऐसी हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो, बहुत पतली भी ना हो। चलिए अब तड़का लगा लेते हैं चटनी में। तड़का लगाने के लिए हमने तड़का पैन में लिया है लगभग 2 चम्मच के करीब तेल लिया है हमने। गैस को हम थोड़ा तेज करके और इसको गरम कर लेंगे तेल को। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डाल देंगे राई के दाने। राई के दाने जब तड़क जाएं उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए सूखी हुई लाल मिर्च, उड़द के दाने, उड़द दाल है ये, और थोड़ी सी हींग। सारी चीज़ों को एक बार हिलाकर और अपने चटनी में तड़का लगा दीजिए। थोड़ा चम्मच की हेल्प से मिला देंगे हम सारी चीज़ों को और ये लीजिए, तैयार है हमारी चटनी। चलिए अब हम बनाएंगे मसाला डोसा के लिए आलू का मसाला। उसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच के करीब तेल। उसमें डाल दिया है जीरा, आधा चम्मच के करीब इसमें डालेंगे राई के दाने। इसके बाद डालेंगे हम कड़ी पत्ते 4-5, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज। अब इनको अच्छे से हम पका लेंगे। अब इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले। आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आधा चम्मच ले रही हूँ। और अब इसमें अच्छे से मिलाकर हम
मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। उबले हुए आलू को ऐड कर देंगे इसमें। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो आलू के बड़े टुकड़े दिख रहे हैं उसको स्पैचुला से थोड़ा मैश कर लेंगे। लीजिए तैयार है। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया पत्ती और इसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। मिक्स कर लीजिए इनको एक बार और तैयार है हमारा आलू का मसाला। अब इसे साइड करते हैं और बनाते हैं हमारा डोसा। हमने जो डोसा बैटर तैयार किया था उसमें 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। मीठा सोडा भी बोलते हैं जिसे, खाने वाला सोडा। बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तवा गरम करके उस पर तेल लगा दिया है हमने। अब तवे को एक बार तेज गरम करना है और फिर उस पर डालना है पानी के छींटे। थोड़ा पानी डालेंगे और गैस को बिल्कुल कम कर देंगे। कपड़े से पोंछ लेंगे पानी को अच्छे से। तवे का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक होगा तभी हमारा परफेक्ट डोसा बन पाएगा। अब हम तवे पे डोसा बैटर को फैला देंगे धीरे धीरे स्मूथली चलाते हुए। जब डोसा नीचे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का दिखने लगे उस टाइम हम चारों तरफ तेल लगा देंगे इसके। अब हमने जो आलू का मसाला तैयार किया था उसको डोसे के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अब स्पैचुला या चिमटा की हेल्प से डोसा को हम राउंड शेप में रोल करेंगे और ये लीजिए तैयार है हमारा डोसा। देखिए देखने में ही कितना कुरकुरा डोसा लग रहा है ये। आप भी इसको बनाइए, खाइए। दूसरा डोसा बनाने के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। गरम तवे पे हम पानी डालेंगे, उसको कपड़े से साफ करेंगे और सेम उसी तरह हम डोसा बैटर को फैलाएंगे। परफेक्ट डोसा बनाने के लिए तवे का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर तवा ज़्यादा गर्म होगा तो डोसा नीचे से चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं, और तवे का टेम्परेचर कम हुआ तो डोसा चिपकेगा ही नहीं तवे पे और वो कुरकुरा नहीं बन पाएगा। सेम वैसे ही आलू का मसाला फैलाएंगे। और सेम उसी तरह हम अपने डोसा को फोल्ड करेंगे और ये लीजिए तैयार है हमारा फिर से डोसा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ खास रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अगली वीडियो उसी रेसिपी पे बना दूँगी। चलिए मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।